हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी अभी जस्ट न्यूज़ सुनी मैंने कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस समय तो लोगों के बाल बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं और ये मेरी आईब्रो भी कितनी बड़ी हो रही है, लेकिन ये सब चलता रहता है। वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि अपने जो देश में ये आई है बीमारी, इससे जल्दी से जल्दी निजात मिल जाए। तो इसके लिए तो हम सबको मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। अगर सब लोग थोड़ा केयर करेंगे तो ज़रूर हम इससे जीत जाएंगे। तो आज मैं आपको एक बालों के लिए और फेस के लिए बताऊंगी कि कैसे आप घर पर रह करके अपनी केयर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पार्लर वगैरह तो सब बंद है। तो उसके लिए मैं एक आपको बताऊंगी कि बाल की ग्रोथ भी उससे बहुत अच्छी होती है, और मुझे लगता है कि वो यूज़ करने से शायद बाल जल्दी सफ़ेद भी नहीं होते। मुझे ऐसा लगता, क्योंकि मेरे एक भी बाल अभी सफ़ेद नहीं हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता क्योंकि मैं हमेशा वो यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे अपनी बालों की केयर करती हूँ, और फेस में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको चलिए बताती हूँ। तो मैं अभी जो आपसे बात कर रही थी कि मैं अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ, तो वो मैं बता रही हूँ आपको। ये एलोवेरा है जो लगभग सभी के घर में लगा होता है। ये विटामिन ई की कैप्सूल है। ये भी हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं भी बताऊँगी ये सब कैसे यूज़ करूँगी। और इसके साथ आप ले सकते हैं ये कैस्टर ऑयल है, ये भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। अगर इस टाइम आपको नहीं मिल रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसकी जगह आप ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस समय वो आप ले सकते हैं। तो मैं तो अभी फ़िलहाल यही लूँगी, क्योंकि ये मेरे पास रखा हुआ है। तो इसमें क्या, एक कटोरी में मैं थोड़ा सा ऑयल निकाल लेती हूँ। तो मैंने ऑयल निकाल लिया, इसमें 2 कैप्सूल डालूंगी विटामिन ई की। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर चाहें तो एलोवेरा का जेल भी मिक्सी में पीस करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। जो अभी मैंने ये ऑयल और विटामिन ई बनाया है, इसी में आप मिक्सी में पीस करके इसका जेल ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत ही इजी बता रही हूँ, जिससे आपको ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना पड़े। अब इस ऑयल को हम अपने बालों में लगाएंगे। इसे इसमें लगाया और इसको ऐसे पूरे बालों में लगा लेंगे। बाल पूरे सुलझे हुए रहने चाहिए। इसको पहले बालों में अच्छे से कंघी फेर लीजिएगा। बाल देखिए बिल्कुल उलझे नहीं है मेरे। पूरे बालों में लगा लेंगे नीचे तक। कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा रहता है लगाना। इसको लगा करके 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिससे तेल अच्छे से अंदर तक चला जाए। एलोवेरा को मैंने अच्छे से धो लिया है, ये अच्छा वाला पूरा मैंने काट लिया है, इसमें कोई भी येलो भाग नहीं है। इसको किनारे से साइड से काट लेंगे, दोनों तरफ से। ये बहुत बड़ा पीस है तो इसको बीच से भी कट कर लेते हैं। इसे लगाने में आसान है। इसका एक तरफ का छिलका निकाल देते हैं, और ये जो जेल है इसमें थोड़ा सा ऐसे चाकू से इसको से होल कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा, जिससे इसका जेल आसानी से बाहर आ जाए। इसको बस ऐसे लगा लेंगे सिर में। जितना नरम होता है आप ऐसे उंगलियों से भी ऐसे कर सकते हैं। बस पूरे बालों में अच्छे से लगा लेंगे।
अब बाल भी बहुत कम झड़ते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बाल शायद सफ़ेद नहीं हो रहे इसी वजह से, क्योंकि मैं इसको बहुत सालों से लगा रही हूँ। ठंडक मिलने लगे अंदर से सिर में, तो समझ जाइए कि आपको आपके रूट में भी एलोवेरा जेल पहुँच गया है। तो बालों में, जड़ों में, सब जगह लगाना है। फेस में लगाने के लिए एक विटामिन ई की कैप्सूल लेंगे, इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसका जो ये ऑयल निकल रहा है इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उसे फेस में लगा लेंगे, जैसे मसाज कर लेंगे पूरे फेस में। किनारे से काट करके एलोवेरा लिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ से नाखून से दबा करके इसका जेल जिससे बाहर आने लगे, और इसको ऐसे मसाज कर लेंगे फेस में। थोड़ा देर तक इसको ऐसे ही मसाज करते रहेंगे ऐसा। बस इसको आप फेस को और अपने बालों को बांध करके आप एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ऐसे ही मैं इसको एक घंटे के लिए छोड़ दूँगी और अपना काम कर लूँगी। अब बस जा करके फिर आप शैम्पू कर लीजिए जो आप नॉर्मल शैम्पू लगाते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर किया करिए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगता है मेरा, तो जब तक आप बताएंगे नहीं मैं कैसे समझूंगी। मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं रेसिपी वगैरह भी बताती रहती हूँ इस चैनल में। और आप बताइए कि क्या क्या आप देखना चाहते हैं, किसकी रेसिपी देखना चाहते हैं, तो मैं वो भी बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आपको मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।